मैंने अपना टॉपिक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लिया है। ये एक जैसे हम लोग सारे लोग ऑनलाइन परचेजेज करते हैं, सभी लोग फ्लिपकार्ट अमेजन इस तरीके की सारी वेबसाइट से रेगुलरली परचेजेज करते हैं, तो कुछ इसी तरीके के फंडे के साथ 2016 में गवर्नमेंट ने सोचा कि जब सारे लोग यूज टू हो चुके हैं ऑनलाइन परचेजेज के और चीप रेट्स पे चीज़ें मिल रही हैं, तो क्यों हम ना कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ आएँ जहाँ पे कि हमारे गवर्नमेंट बायर्स जो हैं वो भी कुछ ऐसी फैसिलिटेट करें जहाँ से वो डायरेक्टली आसान तरीके से सामान को ख़रीद सकें। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक एक्चुअली स्टेटमेंट है, मैं इसको पहले बताता हूँ, जो हमारे द दिन प्रेसिडेंट ने दिया था जेम के बारे में, टू कैरी फॉरवर्ड हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसपेरेंसी सेट बाय गवर्नमेंट, पब्लिक प्रोक्योरमेंट हैज बीन ब्रॉट अंडर ए सिंगल प्लेटफॉर्म दैट इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम। जेम की ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कि पहले एक DGSND होता था, डायरेक्टोरेट ऑफ गुड्स सप्लाईज एंड डिस्पोजल, जिसमें रेट कॉन्ट्रैक्ट किए जाते थे, जिस रेट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे गवर्नमेंट में परचेजेज की जाती थी। तो वो एक ऐसा बॉडी था जो कि रेट्स को कंट्रोल कर रहा था और सेलर्स को कंट्रोल कर रहा था जो इम्पैनल्ड सेलर्स होते थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको ये काम दिया था, DGSND वेयर कॉमन यूजर्स गुड्स सर्विसेज कैन बी प्रोक्योर्ड बाई वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोक्योरमेंट ऑन जेम हैज बीन ऑथराइज बाई GFR बाई एडिंग रूल 141A डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का ये ऑफिस मेमोरेंडम था। ये एक्चुअली रूल 141A 2005 वाला जो GFR था उसमें था। लेटर ऑन जब 8 मार्च 2017 को 2017 GFR आया तो उसमें उन्होंने रूल 149 में इसका प्रोविजन दिया और अभी जेम का वर्जन 3 यूज में है। इसकी जेनेसिस स्टार्ट हुई थी जनवरी 2016 में, जहाँ पे ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना ये कहा कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हम डेवलप करें जो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए हो, और फिर उसी चीज़ को रीट्रेट किया फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में, और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने DGSND की हेल्प से इसको डेवलप किया और 2016 में 9 अगस्त 2016 को इसको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने उसको इनॉग्रेट स्टार्ट किया था। इसकी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ये थी, टू प्रोवाइड गवर्नमेंट यूजर्स द स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स साइट इन सोर्सिंग इट्स रिक्वायरमेंट, रिलीव गवर्नमेंट यूजर्स फ्रॉम टेंडरिंग प्रोसेस। हम सभी लोग जितने लोग प्रोक्योरमेंट में इन्वॉल्व हैं किसी भी तरीके के गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में, उन्हें बहुत अच्छे से ये पता होगा कि टेंडरिंग करना कितना टीडियस जॉब है। तो जेम के आ जाने से ये बहुत हेल्प हुआ कि अब आपको बहुत टेंडरिंग कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जाइए वेबसाइट पर, लॉग इन करिए, सर्च करिए, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करिए, कुछ प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करिए, ऑर्डर प्लेस करिए। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें है कि जेम में 15 दिन का समय है सप्लाई करने के लिए, मैक्सिमम 15 दिन, आपको 15 दिन के अंदर आपके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और एक और चीज़ है इसमें, टू प्रमोट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और मेक इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया की बात प्रधानमंत्री जी कंटिन्यूअसली कर रहे थे उसको भी इन्होंने इसमें जेम में ले आए। ये है रूल 149 ऑफ GFR, जहाँ पे कि GFR में जेम का प्रोविजन दिया हुआ है। पहला ही लाइन कहता है कि द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स विल बी मैंडेटरी फॉर गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल ऑन जेम। ये मैंडेटरी है कि हर वो सामान जो कि जेम पे अवेलेबल है हमें जेम से ही खरीदना है, अगर गवर्नमेंट बाहर है कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जेम पे अवेलेबल नहीं है तभी हम किसी और मोड को सिलेक्ट करेंगे, अगर जेम पे अवेलेबल है तो केवल जेम से खरीदना है। हाँ हाँ, अनलिमिटेड अमाउंट, एक रुपये से लेके टू द इन्फिनिटी, उसमें कहीं कोई सीलिंग नहीं है। इसमें कुछ फाइनेंशियल लिमिट्स हैं, जैसे जो अभी GFR 2017 है, डायरेक्ट परचेज आप बिना टेंडर कॉल किए 25,000 रुपये तक कर सकते हैं, 25,000। लेकिन जेम में थोड़ा सा इसको लिमिट को ऊपर किया है उन्होंने, और 50,000 रुपये तक का कोई भी सामान आप डायरेक्टली किसी भी सेलर से जो आपकी रिक्वायरमेंट मीट आउट कर रहा है उसे खरीद सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा चीज़ है
कि अगर 50,000 रुपये से ऊपर का सामान आपका है और 30 लाख रुपए के अंदर तक का है, तब जेम में क्या है कि आप जो भी सेलर के पास आपका सामान है, उन सेलर्स में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अलग अलग ब्रांड के हों, OEMs उसका अलग अलग हो। मैनुअल टेंडरिंग प्रोसेस में लोग क्या करते हैं, कुछ इंक्वायरी फ्लोट किया, कुछ स्पेक्स डिजाइन करके एक ही वेंडर कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स आ गए, आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं है, आपने खरीद लिया। जेम में क्या है, जैसे ही आप एक OEM से ज़्यादा का सिलेक्ट करने जाएं, मतलब सेम OEM के दो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने जाएंगे, तुरंत आपको स्टॉप कर देगा, बोलेगा आप सेम OEM का ऑलरेडी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर चुके हैं, डिफरेंट OEM सेलेक्ट करें। तो इसमें इन्होंने कहा कि आप एटलीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स ऑन जेम मीटिंग द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी पीरियड, जो आपकी रिक्वायर्ड क्वालिटी है उसको मीट आउट कर रहा हो, 3 अलग अलग डिफरेंट OEMs का हो, उनके प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके आप कंपेटिटिव सीट जनरेट करेंगे, जो L1 होगा उसको आप ऑर्डर प्लेस करिए। दूसरा चीज़, इसमें एक बहुत अच्छी टूल्स इन्होंने दिया है, ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन का। अगर आप चाहें तो 30 लाख तक भी ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप 30 लाख के ऊपर ये मैंडेटरी है। एवव 30 लैक्स थ्रू द सप्लायर हैविंग द लोवेस्ट प्राइस मीटिंग द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी पीरियड आफ्टर मैंडेटरी ऑब्टेनिंग बीड्स यूजिंग ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन। देखिए, हम लोग ऑक्शन तो सभी लोग जान रहे हैं, ऑक्शन में बहुत लोगों ने देखा भी होगा, रिवर्स ऑक्शन जस्ट उसका अपोजिट है। ऑक्शन में क्या होता है कि हम H1 जो हमको देता है उससे उसको सेल करते हैं। रिवर्स ऑक्शन में क्या है कि जो हमको L1 पे ले आएगा, मतलब इसमें होता क्या है, प्रोसीजर इसका यह है कि आपने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, रिवर्स ऑक्शन आपने उस पर स्टार्ट किया, एक हफ्ते का टाइम दिया। अब क्या हुआ कि एक हफ्ते के अंदर सारे बिडर्स को यह दिखेगा कि ये रिवर्स ऑक्शन स्टार्ट है, इस प्रोडक्ट के लिए इतनी क्वांटिटी है, इसमें ये रेट फिलहाल L1 चल रहा है। जैसे किसी ने 100 रुपये कोट किया और वो सारे बिडर्स को दिखेगा कि इस प्रोडक्ट के 100 रुपये अभी फिलहाल रेट चल रहा है, फिर अचानक किसी ने 95 कोट कर दिया 5% डाउन करके, फिर सबको दिखेगा 95 चला, तो उसमें जो बायर होता है उसको बहुत फ़ायदा होता है। तो ये इन्होंने एक दिया हुआ, और 30 लाख से ऊपर कोई हाईएस्ट सीलिंग नहीं है, आप जहाँ तक भी चाहें वहाँ तक परचेस कर सकते हैं। ये मोड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट जो मैंने अभी आपको दिखाया था, उसमें देखिए पहला 50,000 तक आप डायरेक्ट परचेज कर लीजिए, फिर L1 से बाय कंपेयरिंग प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट OEMs मीटिंग द रिक्वायर्ड क्वालिटी। यहाँ पे मैंडेटरी है कि 50,000 से 30 लाख तक आपको ये फॉलो करना ही करना है। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन किसी भी एक्सटेंड पे यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल 30 लाख के ऊपर ही बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन यूज करना है, वो हम 50,000 के अंदर भी यूज कर सकते हैं। क्यों जेम से ही बाय करें? पहली चीज़ तो सबसे पहला ही है कि मैंडेटरी है तो ऑप्शन नहीं है आपके पास सोचने के लिए। दूसरा चीज़ है कि बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इस पे हैं जो कि आप मल्टीपल सेलर एक सिंगल जगह से मिल जा रहे हैं। इसमें 3 ये सब मोड्स हैं, डायरेक्ट परचेज, ऑनलाइन बिड्स और रिवर्स ऑक्शन। पेमेंट सिस्टम इसका इंटीग्रेटेड है, कहीं कोई कुछ सोचना नहीं है पेमेंट करने के लिए। बायर सप्लायर सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन, इसमें सप्लाई के अलावा सर्विसेज भी इसके थ्रू मिल रही हैं। फिर आसानी से मार्केट सर्च कर सकते हैं, पूरा बहुत बड़ा इसमें सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को इन पैनल किए हुए हैं। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन ही ऑर्डर, ये पेपरलेस, कम्प्लीटली पेपरलेस मार्केट है, आपको कुछ नहीं करना है। ये लॉगिन पेज है और इसमें ये रजिस्टर एज ए बायर है और ये रजिस्टर एज ए सेलर है। यहाँ पे हमको पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। ये कुछ फिल्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फिल्टर्स हैं और फाइनेंशियल फिल्टर्स हैं। जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम मार्केट है, हर तरीके के लोग अवेलेबल हैं, उनके कैपेबिलिटी कितनी है सप्लाई करने, कितनी नहीं है, क्या पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड रहा, उसके लिए इन्होंने कुछ यहाँ पे दिया हुआ है फिल्टर्स। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव फिल्टर्स है, फाइनेंशियल फिल्टर्स है, मेक मॉडल है, प्रोडक्ट स्पेस है। ये मैंने एक कंप्यूटर का सिलेक्ट किया था, तो ये अलग अलग तरीके से दे रहा है। जैसे प्रोसेसर जनरेशन है, प्रोसेसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, रैम साइज क्या होगी, ग्राफिक्स में अगर हमारी ये रिक्वायरमेंट है तो इसमें हम सेलेक्ट करें, उसके हिसाब से प्रोडक्ट फिल्टर हो जाएंगे। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फिल्टर में 2 चीज़ें दिया हुआ है, बीड और PAC। बीड मतलब कि आप ऑनलाइन बिडिंग करना चाह रहे हैं या बीड कराना चाह रहे हैं,
पीएसी होती है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट बाइंग, यानी कि एक कोई ऐसा सामान जो कि एक पर्टिकुलर ब्रांड ही बना रहा, उसको कोई और नहीं बनाता दुनिया में, तो ऐसे सामान को भी अगर हमें परचेज करना है तो हम सिंपली यहाँ पीएसी पे क्लिक करेंगे, उस प्रोडक्ट के स्पेक्स को डालेंगे, जो भी बीडर होगा आसानी से आ जाएगा। ये कुछ और फिल्टर जैसे एमएसएमई, क्योंकि अब गवर्नमेंट को हम फॉलो कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स भी दे रखे हैं कि एमएसएमई से परचेज करना, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है। अगर हम ये चाहें कि नहीं गवर्नमेंट के साथ उसका वर्क एक्सपीरियंस हो ताकि ये आसान हम विश्वास कर सकें कि सही सेलर होगा, तो इस तरीके से ये फिल्टर लगा सकते हैं। ये बीड और पीएसी को डिफाइन किया हुआ है। चूज इफ ऑब्जेक्टिव इज टू गो फॉर बीड, ओनली बीड, ऑन चूजिंग द ऑप्शन यू विल बी एबल टू ब्राउज थ्रू ऑल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, मोर ओवर यू कैन एडिट एट क्रिएट बीड। और ये देखिए पीएसी पे दिया हुआ, पीएसी बाइंग नीड्स स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड बीड सबमिशन विल बी ओनली फॉर द सिलेक्टेड मेक एंड मॉडल। ये पूरा कंप्लीट इसका आर्किटेक्चर है। ये DGSND है जो कि इसको होस्ट कर रहा है और मैनेज कर रहा है पूरा। एक साइड में ये गवर्नमेंट बायर है, दूसरा एक सेलर है और सर्विस प्रोवाइडर है। इसमें एक्चुअली अब बहुत बढ़िया सर्विसेज, जैसे कार रेंट की सर्विस इन्होंने स्टार्ट की है कई बड़े शहरों में। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं अगर उनके इम्प्लॉयज उन शहरों में जाते हैं वो इसके थ्रू कार्स को बुक कर सकते हैं, जितने भी पीरियड के लिए चाहिए वहाँ पर जाएँ, वो ट्रैवल करें, वापस ऑफिस में उनके बिल आ जाएगा और बिल का डायरेक्ट पेमेंट इसके मोड से कर दें। मतलब आप बाहर अभी अगर ऑफिशियल वर्क पे हैं तो आप एकदम निश्चिंत होकर जा सकते हैं, कोई इसका ये नहीं है। ये देखिए स्टैटिस्टिक्स है कुछ, इसमें करीब 25,000 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन एज ए बायर रजिस्टर्ड हैं, 132,000 सेलर और सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड हैं, अभी तक करीब 6,00,000 से ऊपर ऑर्डर्स जनरेट हो चुके हैं, 3,00,000 से ज़्यादा, 4,00,000 के करीब प्रोडक्ट्स इंपैनल्ड है, 10,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर वैल्यू अभी तक इससे रिलीज हो चुकी है। ये इसके कुछ फीचर्स हैं, इंड टू इंड सिस्टम है, वेंडर रजिस्ट्रेशन और बायर रजिस्ट्रेशन से उसके पेमेंट तक, रजिस्ट्रेशन आधार से लिंक्ड होता है, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट आप जब भी करेंगे तो इसको आधार से मैसेज आएगा, उसके बाद ही आप इसको साइन कर सकते हैं, तो ये पूरा हाईली सिक्योर्ड है। उसके बाद ये पेमेंट ऑप्शन इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे इसमें PFMS से भी लिंक कर सकते हैं, दिया हुआ है SBI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, NEFT RTGS करा सकते हैं या फिर चेक कर दे सकते हैं। क्विक पेमेंट आपको 10 दिन के अंदर पेमेंट इनको करना है, ये मैंडेटरी है। इसमें प्राइस कंपेरिजन आप इसमें अभी आप कई भी साइट्स के साथ इसका प्राइस कंपेरिजन देख सकते हैं, और कुछ इसमें कंडीशंस है जैसे सेलर्स के लिए कि कोई भी सेलर जो प्राइस अगर किसी ई कॉमर्स साइट पे उन्होंने दिया हुआ है उससे ज़्यादा रेट पे यहाँ नहीं देंगे, उससे कम रेट पे ही उनको GeM पे आना पड़ेगा। यानी कि अगर आप GeM से परचेज करते हैं तो इंश्योर रहिए कि उससे सस्ता वो कहीं और नहीं सेल कर सकता है। ये देखिए पेमेंट मोड है जो आपने सर पूछा था, PFMS है, SBI मल्टीपल ऑप्शन सिस्टम है और थ्रू ऑफलाइन मोड है। अभी ये तीनों ही सिस्टम से पेमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसर जो PFMS के थ्रू पेमेंट करें वो इसके थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं, जहाँ SBI के थ्रू है वहाँ करें, अदरवाइज नहीं है तो NEFT और RTGS के थ्रू पेमेंट्स हो रहे हैं। अभी एक नई चीज़ इसमें आने जा रही है, अभी तक क्या था कि आधार से लिंक था, तो अब इन्होंने 10 अगस्त से ये मैंडेटरी कर दिया कि वर्चुअल आधार होगा तभी इस पर कोई भी पेमेंट हो सकता है, परचेज और पेमेंट हो सकता है। ये इसकी कंप्लीट फंक्शनिंग का चार्ट है। ये प्राइमरी यूजर यानी नोडल ऑफिस होगा, वो अपने अंदर ये क्रिएट करेंगे user ID, बायर कंसाइनी DDO PO। बायर का रोल ये होता है प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, मॉडल जो भी मोड हो उसको थ्रू जाएं, इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और फाइनेंशियल अप्रूवल दोनों स्कैन करके अपलोड करना होता है परचेज से पहले। उसके बाद आपका ऑर्डर जनरेट होगा, ऑर्डर जनरेट होने के बाद आधार लिंक्ड मोबाइल से उसको वेरीफाई होने के बाद वो साइन होगा, ई साइन, सेलर को कंफर्मेशन होता है, सेलर जैसे ही सप्लाई करेगा, इसमें एक चीज़ ये देखिए डिफॉल्ट डिलीवरी पीरियड इज विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर ही इनको सप्लाई करना है, ये बाय डिफॉल्ट है। कुछ कुछ केसेस जैसे कार वगैरह अगर खरीदते हैं तो उस केस में थोड़ा ज़्यादा होता है, बट नॉर्मल गुड्स में ये 15 दिन ही होता है। जैसे ही सामान मिलता है हमें एक प्रोविजनल रिसिप्ट सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपडेट करना होता है कि हमें सामान मिल चुका है, कितनी क्वान्टिटी मिली है और कब मिला है।
उसके बाद हम गुड्स को इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट करने के बाद हमारे पास राइट होता है या हम या तो एक्सेप्ट करें या तो रिजेक्ट करें। एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए हमारे पास 10 दिन का समय होता है। अगर 10 दिन के अंदर हमारे पास तरफ से कोई एक्शन नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम मान लेगा कि सही सामान गया है और पेमेंट मॉड्यूल पे भेज देगा। जैसे ही हम अगर एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, तो सेलर को अपने गुड्स वापस ले जाने होंगे, उसको मैसेज चला जाएगा कि आपके गुड्स रिजेक्ट हो गए। एक्सेप्ट करते हैं तो एक ये कंसाइनी रिसीप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट जनरेट होता है, इसको जनरेट करेंगे फिर पेमेंट के लिए मूव करेंगे। और अगर मान लीजिए 100 क्वांटिटी खरीदा, 90 सही मिले 10 गड़बड़ मिले, तो 90 एक्सेप्ट होगा 10 रिजेक्ट होगा, तो 90 का ही CRAC जनरेट होकर इधर आएगा पेमेंट के लिए। पेमेंट फिर वही पेमेंट मोड है, उसके थ्रू पेमेंट करेंगे और फिर सेलर को कंफर्म हो जाएगा कि उसको पेमेंट मिल जाएगा और ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।